किया बहू बेटी जैसी होनी चाहिए या फिर बहू तो बहू होती है। अक्सर लोगों को कहते सुनती हूँ, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं, क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी, उन्हें किसी के जैसा होने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, यह वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने में अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई यह भी क्यों कहता है, हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू जैसा प्यार या तो होता ही नहीं या फिर देने लायक नहीं होता। बहू बहू होती है और बेटी बेटी, इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। यह तुलना करके आप संतरे से यह कह रहे हैं कि तू सेब की तरह गुणकारी नहीं है और सेब से यह कह रहे हैं कि तू रसदार नहीं है। बेटी जिस घर में जन्म लेती है उसके बचपन की किलकारियों से गूंजता है घर। बहू पराए घर से आती है, अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ आती है, वो बेटी जैसी कैसे हो सकती है? और क्यों हो वो बेटी जैसी? जब वो कहते कि मैं बेटी जैसी हूँ, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक स्टेटस कैसे बदलूं? मुझे नहीं होना किसी के जैसा, मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूँ। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहना, मेरी स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, मेरे मातृत्व पर सवाल मत खड़े करना, मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू का सम्मान देना, मुझे बहू का प्यार देना। मैं बहू हूँ और बहू ही रहूंगी, बेटी तो मैं किसी की सालों पहले जन्मी थी, अब यह फिर से तो अगले जन्म में ही हो पाएगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।